खबर है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से। बढ़ती महंगाई और किसान न्याय को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व विधानसभा फरेंदा प्रत्याशी ने शनिवार को दोपहर ब्रजमनगंज ब्लॉक के लैदवा चौराहे पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। सुबह से लगातार हो रही बारिश भी कार्यक्रम पर कोई फर्क नहीं डाल सकी और भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर बारिश में भीगते हुए कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष व फरेंदा विधानसभा के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि पूरा देश महंगाई से परेशान है। किसान से लेकर आम जनता त्राही त्राही कर रही है। जनता को मुफ्त राशन के नाम पर ये सरकार मौत बांट रही है। राशन की दुकान से नमक की पैकेट में सीसा पत्थर मिले आ रहे हैं। प्रदेश की सरकार अभी जनता के घरों में डाका ही डाल रही थी, अब तो उन्हें मारने का भी प्लान बना रही है। महंगाई पर तंज कसते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा, घरों में प्रयोग किए जाने वाला सरसों का तेल 100 से 335 हो गया है। पेट्रोल की कीमतें किसान और छोटे उद्योग कारोबारियों की कमर तोड़ रही है। सरकार डॉक्टर बाबा साहब की बनाई हुई संविधान को बदलना चाहती है, जिससे दलित और कमजोर वर्ग को दोबारा आजादी से पहले वाली जिंदगी देने को मजबूर कर रही है। सुरक्षित रखेंगे महिलाओं के लिए, हर नियम कानून में बदलाव लाएंगे। बहन हित मित्र दोस्त सब खो दे रहे हैं। केकर कमी राम ऑक्सीजन नहीं दे बोल रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।